काम करता है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मॉडिफिकेशन थोड़ी एक्स्ट्रा है क्योंकि ये ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करता है और टेम्परेचर भी करता है। ह्यूमिडिटी के लिए इसमें डेस्क एंड व्हील सेक्शन लगा हुआ है, आपको बेसिकली सिर्फ कूलिंग चाहिए होगी उसमें। अब ये होगा कि बॉडी आपकी सारी यही बनेगी। एक तो इसके अंदर पूरे यूनिट के ऊपर कोई स्क्रू यूज़ नहीं होता, बिकॉज स्क्रू जहाँ होते हैं वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। ये डबल स्किन के अंदर होगा, 1 इंच थिकनेस में होगा ये, और ये सारे बकल लॉक से लॉक होते हैं यूनिट, स्क्रू कोई नहीं होगा। बाकी आपके अंदर ये फिल्ट्रेशन जब आएगी, ये आपकी रिटर्न एयर आ रही होगी डक्ट की, इसके आगे ये G4 प्री फिल्टर्स होंगे, फिर आपके ये बैक फिल्टर्स होंगे, फिर आपका कूलिंग कॉयल होगा, फिर आगे आपके वो ब्लोअर लगे होंगे और वो आगे आगे सप्लाई करते जाएंगे अगली साइड से डक्ट आपके कनेक्ट होकर वो रूम में जा रहा होगा। ये एक बेसिकली सर्कल होगा, ये सप्लाई हो रहा होगा वो वहाँ से वापस आ रही होगी, ये सर्कल चल रहा है। सो ये इतना पेचीदा बनने की क्या ज़रूरत है? मेरे जहन में तो ये ऐसा होना चाहिए कि जो आम GI की डक्ट्स होती हैं वो हों, उनमें से HEPA फिल्टर लगे हुए हों या और चीज़ें लगी हों, आगे कूलिंग यूनिट को जाना चाहिए। वाई इतना ये फैंसी किस्म का स्ट्रक्चर क्यों? फार्मास्यूटिकल की रिक्वायरमेंट है ये बेसिकली। अच्छा, कि फार्मास्यूटिकल के अंदर HEPA चलने होता है कि टर्मिनल के ऊपर भी चला जाता है, यूनिट के अंदर भी होता है, दोनों ऑप्शन होती हैं। लेकिन फार्मा के बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे 4-stage फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, UV लाइट्स भी अंदर लगी होती हैं। 4-stage से क्या क्या? 4-stage G4, F6, F9 एंड H13। ये G4 क्या होते हैं? G4 प्री फिल्टर होता है, यानी बड़े पार्टिकल्स के 55% तक, ये 65, देन देयर इज F9 95, देन देयर इज HEPA 99.9995। फिर अल्पा भी है? अल्पा नहीं, बहुत कम यहाँ नहीं होते। नहीं, ये यूवी लाइट लगी हुई है, ये यूवी लाइट्स लगी हुई है, दिखाएंगे। राइट, ये इतनी छोटी लाइट सफिशिएंट है जी के फिल्टर कर देगी? बिल्कुल, यूवी होती है साथ में। इसकी कितने परसेंट किल है इस इतनी छोटी लाइट की? और ये जो मोटर लगी हुई है ये सक कर रही है कूल एयर को? जी बिल्कुल, ड्रॉ थ्रू। इस पूरे चेंबर में से एयर पुश होगी? बिल्कुल, और इधर से जाएगी? बिल्कुल। ये HEPA लगे हुए? ये HEPA लगे हुए। HEPA की लाइफ किस तरह से जज होती है कि अब खराब हो, ख़त्म हो गया वह? सर ये बेसिकली इसके ऊपर मैग्नेट लीकेजेस लगी हुई हैं, जब ये बिल्कुल चौक हो जाते हैं तो ये इंडिकेशन आ जाएगी यहाँ पे, एक हद तक ये स्टैटिक होता है जो इसमें पास हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी गेज? आप प्री फिल्ट्रेशन के अंदर भी सिर्फ प्री फिल्टर पे गेज नहीं लगती, बाकी सारों पे? यहाँ पर भी यूवी है जी। ये कौन सी यूवी है? UVC लाइट होती है? किस कंपनी की है? सर कंपनी तो नहीं मुझे पता। आपने कहा स्क्रूज नहीं है, लेकिन ये सारे रिवेट हुए हैं? रिवेट अंदर होती है, वैसे रिवेट होती है। एल्यूमिनियम लग रही है? बिल्कुल, एल्यूमिनियम प्रोफाइल है। सो ये इतना बड़ा सिस्टम, ये कितने टन का है? 8 टन। 8 टन का ये सिस्टम है, तो जो आप 4 टन मिनिमम कह रहे हैं उसमें क्या लगेगा? हाफ से भी कम साइज होगा उसका। ये ऊपर वाली कैबिनेट किस? सर ये रीजन सेक्शन है इसका, मैंने कहा था इसमें ना डेस्क एंड व्हील लगा हुआ, ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है लेस देन 25-20% के लिए। कुछ एरिया होते हैं फार्मा के जिसमें हम लोग को ह्यूमिडिटी में लेकर एयर यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, डेस्क एंड व्हील यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, डेस्क एंड व्हील रोटेट होकर ऊपर आता है, यहाँ से हॉट एयर पास आती है 140 डिग्रीज की, हॉट एयर के अंदर सारी मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाती है और यहाँ से वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ये वाले जो एग्जॉस्ट ब्लोअर हैं ये खास इस शेप के होते हैं जी, सेंट्रीफ्यूगल बैकवर्ड कर्व ब्लोअर। सेंट्रीफ्यूगल बैकवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फॉरवर्ड कर्व भी होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बैकवर्ड कर्व भी होते हैं। फिर ये जो लगे हुए ये प्लग फैन, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लग होता है डायरेक्ट ड्रिवन जो। कौन से वाला? जो मोटर के अंदर लगा ये बैकवर्ड प्लग फैन। रफली इसकी क्या कॉस्ट है फैब्रिकेशन की मिनिमम जो? सर इसकी तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि डेफिनेटली आपका जो 4 टन है ना, जिसके अंदर G4 और F9 2-stage फिल्टर हो, HEPA अंदर टर्मिनल के ऊपर लगाएं, क्योंकि वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपकी सेव हो जाएगी उससे, यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है।
4 tons का अराउंड होता है, 3.5 लाख का पूरा। 3.5 लाख का सिर्फ ये स्ट्रक्चर विद एयर कंडीशनिंग सारा ही विद फैब्रिकेशन सारा करके फैब्रिकेशन से यानी एंड पॉइंट तक लेके जाना निकालना सारा एंड पॉइंट ओटी से निकलना एयर का इसमें जाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूरा यूनिट आपको पैकेज ऐसी आएगा, एक एस्टिमेटेड है 3.5, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और इसमें एयर कंडीशनर कौन सा लगा हुआ? कंप्रेसर कह रहे हैं आउटडोर आपका बिल्कुल ऐसा होगा। और इसी साइज का ये कितने टन का? ये 4 टन है इस साइज का। ये क्या है? ये चिलर्स हैं, एयर कूल वाटर चिलर्स। इनमें और एयर कंडीशनिंग उसमें क्या फर्क? ये पानी ठंडा करता है, एयर कूल वाटर चिलर इसमें सिर्फ पानी ठंडा करता है। इसके साथ आगे ये चीज लग सकती है जिम वाटर के। पानी कौन सा पानी आप समझ लें? ये पेट इंडस्ट्री में भी ये लगते हैं, प्लास्टिक को जो कूल डाउन करने के लिए होता है, पानी ठंडा चाहिए होता है। अब इसके आगे एयर ट्यूब भी लग सकते हैं जो चिल्ड वाटर से चलते हैं। ठीक है, यानी वो कूलिंग सिस्टम है जिसमें चिल्ड वाटर रन करता है लाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एयर डायरेक्टली नहीं होती, वो बस लाइन। हाँ जी बिल्कुल। और ये आपको ये पूरा यूनिट प्राइस का जो मैंने आपको बोला ना, ये पैकेज आपको बोलिए उसके सिर्फ आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट करनी है तो उसको इलेक्ट्रिकल तक कनेक्ट करें, इसके अलावा आपने कुछ नहीं। आप कितने साल से ये कर रहे हैं? 1989 हॉस्पिटल्स के अंदर। आपका लाहौर में हॉस्पिटल किस नाम से? लाहौर।